आज नगरा में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो है सम्मान समारोह था। इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अनिल राजभर जी थे और इनके कार्यक्रम में जो है देखने को मिला कि जो सुभाषपा पार्टी से कुछ जो है कार्यकर्ता काफी जो है नाखुश थे, उनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था पिछले दिनों में। जो अवधेश राजभर है, काफी आपने देखा था कि नगर निकाय चुनाव में एक अपने दल के साथ जो है विजय जायसवाल के साथ पूरा समर्थन दिए थे, उनसे जानकारी लेंगे कि आज नगरा में इन लोगों की उपस्थिति क्या जाहिर कर रही है। देखिए, अब तो जाहिर हो ही गया है, रसरा से अब जाहिर जो देख लिए हैं कि जाहिर हो गया था, आज नगरा से भी जाहिर हो गया है कि देखिए हम लोग अब चाहते हैं और अपने पूरे राजभर समाज से मैं कहना चाहता हूं कि आप क्यों बनारस से कोई राजभर आकर नेता यहां बन रहा है, आप बलिया से अपना नेता क्यों नहीं पैदा कर रहे हो। हम लोग चाहते हैं कि बलिया से नेता पैदा करो, बलिया का नेता, बलिया का जब बेटा या आपके घर का, आपके आंगन का जब होगा तो आपके दुख दर्द को समझने का काम करेगा। ये नहीं कि जो परिवारवाद वाला काम करता है उसका चक्कर छोड़ो, नहीं तो सन 2002 से पार्टी बनी है, आज पार्टी बने हुए लगभग 21 साल हो गया। 21 साल में हमारे समाज के लोगों ने, चाहे अदर बिरादरी की अति फिराती दलित बैकवर्ड समाज के लोगों ने, इनका जो योगदान किया, जिस धरती पर आज आप खड़ा हैं, जिस मैदान में आज आप खड़ा हैं, इसी मैदान में माने ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ के लोगों ने, यहाँ की बलिया की जनता ने सिक्का से तोलने का काम किया था। सिक्के से तोलकर उनको 10-10 पे चंदा देकर, 20 पे चंदा देकर उनको हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठाने का काम किया और वो नेता राजभर समाज के बारे में सोचने का नहीं काम कर रहे। बस लंबी लंबी बातें हैं, बस भाषण है, लोग को इकट्ठा करना है, जुलूस दिखाना है, भीड़ दिखाना है, रैलियाँ दिखाना है और दिखाकर मोटी रकम का उगाही करना है। जो देखा गया कि अवधेश राजभर को जो पद था सुभाषपा पार्टी से जो है एक लेटर पैड देकर इन्हें निष्कासित कर दिया गया और यह भी कहा गया कि ये जो है किसी दल में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और इन्हें जो है कोई दल सम्मिलित भी नहीं करेगा, लेकिन आज जो है नगरा में इनको जो सम्मान जो मिला है, आज अपना चोला एक पार्टी से इनको मिल गया है। अब कम ही समय में इनको देखने को जो मिला है कि बीजेपी जो है पार्टी ने इन्हें ज्वाइन कर लिया और अवधेश राजभर एक विभागी से जो आवाज़ें उठाते थे, आज इनकी आवाज़ों ने मात्र कम ही समय में एक ऐसे स्तंभ पर ले जाके इन्हें मुलाकात करा दिया जो देखा गया कि आज बीजेपी पार्टी के एक दिग्गज नेता थे माननीय अनिल राजभर जो आए थे, उनके अगुवाई में इन्हें आज जो है इस पार्टी में ज्वाइन करने का एक मौका मिला। देखिए, ये दिमाग से लोग निकाल ले कोई नहीं पूछेगा, ईमानदार व्यक्ति की हर जगह पूछ होती है। मैं मेहनत करता हूँ ना भाई, मैं मेहनत, पहले भी मैं कहा था कि जनता नेता बनाती है, जो ईमानदारी से जनता के बीच में काम करेगा, जनता का जब काम करेगा तो नेता हो गया, और उसको पूछने वाला तमाम बड़ी पार्टी। लेकिन आप तो बहुत कम ही समय में, आपको ये बीजेपी पार्टी तो बहुत तमाम जो है लोग मेहनत करते हैं, कई सालों से लगे रहते हैं, उनको जो है ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप मात्र कम ही समय में आपको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो किसी सबका होता है, ज्वाइन तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी पार्टी में हो जाएगा, लेकिन बात रही सम्मान की, तो निश्चित रूप से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने जिस तरह से मान सम्मान काम किया, उम्मीद करूंगा कि अपने समाज के लिए बेहतरीन काम करूं और माननीय मोदी जी की अगुवाई में, माननीय योगी जी की अगुवाई में, माननीय अनिल राजभर जी की अगुवाई में निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि राजभर समाज का विकास हो और हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो हमारी पूंजी है उनको, उनके लिए दिन रात हम लोग चलने का काम करेंगे और उनके कोई दुख हो, मुसीबत हो, खड़ा उतरने का काम करते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि जो राजभर समाज के लोग हैं वो पीले गमछे, पीले जो है झंडे पे विश्वास करते हैं, वो अपने पार्टी के वो नेता मानते हैं, लेकिन आज अवधेश राजभर भगवा रंग में है दिख रहे हैं। क्या लगता है कि राजभर समाज के लोग आपसे कहीं ऐसा तो नहीं होंगे, डरेंगे या फिर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गाँव से लोग आए थे 2 गाड़ी, जहाँ पे लोग विवाद फैलाने का प्रयास किए है, अगर आग लगी है तो पानी डाला जाता है, तेजाब नहीं तो तेजाब डालने का काम किए, और हमारे गांव के लोग भी या हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र से लगभग 5000 लोग आए थे, हमारे कहने पर 5000 की भीड़ आई थी, लगभग हम लोग यहां से अपने नेतृत्व में लग रहा है कि हम 200 से ऊपर गाड़ी किए थे, अभी हो जाएगा काउंट, ठीक ना, तो 200 से ऊपर हम लोग गाड़ी करवाने का काम किए थे, हम पुनर्गवाई में करवाए थे। और बात रही जनता का विश्वास नहीं करेगा, जनता समझ गई है। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि हे राजभर समाज के लोग, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही राजभर नहीं है, अवधेश राजभर भी राजभर है, अनिल राजभर भी एक राजभर है, जिस तरह से सुहेलदेव जी एक राजभर हैं, तो ये नहीं कि सुहेलदेव जी सिर्फ जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी के लिए हैं, सुहेलदेव जी सबका जो है कि धरोहर हैं, सबका पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं, उनका भी पूर्वज है, तो हम भी उनका सम्मान करते हैं और अभी वो भी हमारे हैं ना। और राजभर समाज से निवेदन करूंगा कि आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल कीजिएगा कि जब सपा से गठबंधन करके 18 सीट पाते हैं, 18 सीटें मान लीजिए, 1 सीट जो है इधर से अम्बेडकर नगर से एक महिला साइकिल से लड़ जाती है सपा से, बच गया 17 सीट, 17 सीट में 10 सीट जो था जो है कि एसी ले लिए जानबूझकर, और 7 सामान्य था, 7 सामान्य में क्या कोई राजभर बिरादरी का बेटा नहीं पैदा था लड़ने के लिए, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सन 2002 से चल रहा है, कोई नहीं,
अपने लड़े, अपने बेटा को लड़ाए, अपने लड़े, अपने बेटा को लड़ाए, उसके सिवाय कोई बता दे राजभर समाज के लोग इस पर ध्यान आकर्षित करे और इसको इस पर विचार करने का काम करे कि राजभर समाज का क्यों नहीं कोई नेता लड़ा। और इसी सीट में देख लीजिए, इसी सीट में देख लीजिए, रामदहीन पासवान जी रामदहीन पासवान गाजीपुर के हैं, गाजीपुर में बेदी राम जो विधायक हैं उनको कहाँ से लाया गया है, जौनपुर से। एक दिन का भी सदस्य नहीं है वो, एक दिन का भी सदस्य नहीं है और उनको विधायक बना दिया गया। क्यों बनाया गया? पैसा नहीं, पैसा के दम पे बनाया गया ना। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अवधेश कुमार राजभर अगर गलत है तो बताओ। मैं सवाल कर रहा हूँ राजभर समाज से कि बेदी राम को क्यों वहाँ से चुनाव लड़ा है, गाजीपुर से रामदहीन पासवान को क्यों नहीं लड़ा है? रामदहीन पासवान जी को भेजा गया बेलथरा रोड में जाओ मेहनत करो, रामदहीन पासवान जी बेलथरा रोड में मेहनत कर रहे थे और रामदहीन पासवान को यहाँ टिकट नहीं दिया गया। यहाँ पे हंसूराम को गोरखपुर से बुलाकर यहाँ चुनाव लड़ाया गया और जिताया गया, जो कि ये भी एक दिन का भी पार्टी का सदस्य नहीं है। क्यों ऐसा ये काम कर रहे हैं? जो 10 ऐसी सीट मिला था या जो 5 और उसमें बचा दो लोग लड़ने के सिवाय बात से 15 सीट जो बच रहा है, उस 15 सीट में बताएं कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी से कितने जो है कार्यकर्ता उसमें चुनाव लड़े हैं। इस पे ये सवाल करने की जरूरत है।